आज करके दिखा दिए पब्लिक को कि आज सीएम साहब जो बोलते हैं हमारे केसीआर साहब वो करके दिखाते हो, क्योंकि दूसरे सीएमओ के ऐसा नहीं है, बोलते एक करते एक। केसीआर साहब जो बोलते हैं बराबर वो जेन्युइन रहता, पर अल्लाह के करम से आज हर हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई सब भाइयों का जो है ना सब का टेंशन खत्म होगा आज, और ये आप लोग कंफर्टेबल रहिए। अल्लाह से दुआ करिए कि हम उस सेहत और ईमान की ये कोरोना वायरस के बारे में भी सीएम साहब सीरियस लेके कैबिनेट मीटिंग बुलाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं, आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना असेंबली के इजलास में रियासती आवाम की दरीना ख्वाहिश के मुताबिक मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क के करोड़ों दानिशवरों की जानिब से अलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले मुतनाज़िया CAA NRC व NPR बिल्स के ख़िलाफ़ में रेजोल्यूशन पार्क करवाने के शदीद मुतालबे को TRS हुकूमत की जानिब से मंजूर कर लिए जाने वाले माहौल में आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ख़ास तौर पर अपनी सारी मसरूफियात तर्क करते हुए बड़ी उजलत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ CM KCR से मुलाकात करते हुए उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए और उन्हें मुबारकबाद पेश की और एक गुलदस्ते के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं CM साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज CAA NRP और NRC ये जितने भी जो पब्लिक परेशान थी, माइनॉरिटी भाई और भी हिंदू मुस्लिम लोग जो जो लोग परेशान थे, आज वो टेंशन ख़त्म होगा, क्योंकि आज CM साहब जो वादा करे थे, इससे पहले कैबिनेट में भी बोले थे, ऐसी ओवरऑल भी बोले थे, मेरा खुद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं कहाँ से बताऊँगा, ये सब बेकार चीज़ है। तो आज जो है ना CM साहब उस चीज़ को करके दिखा दिए हाउस में, जो है ना असम्बली में, जो है आज लास्ट डेट थी असम्बली, आज असम्बली के अंदर ये चीज़ को बिल पास कर दिए और कैबिनेट में ऑलरेडी कर दिए थे, फिर आज असम्बली में भी बिल पास करके आज करके दिखा दिए पब्लिक को कि आज CM साहब जो बोलते हैं हमारे KCR साहब वो करके दिखाते हो, क्योंकि दूसरे CMO के ऐसा नहीं है, बोलते एक करते एक। KCR साहब जो बोलते हैं बराबर वो जेन्युइन रहता, पर अल्लाह के करम से आज हर हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई सब भाइयों का जो है ना सब का टेंशन ख़त्म होगा आज, और ये आप लोग कंफर्टेबल रहिए। अल्लाह से दुआ करिए कि हम उस सेहत और ईमान की ये कोरोना वायरस के बारे में भी CM साहब सीरियस लेके कैबिनेट मीटिंग बुलाए, परसों बुला के जो है ना इमीडिएट वो भी 5,000 करोड़ रुपए जो है ना आवाम को लगाने के लिए जो है ना कोरोना वायरस के लिए, अल्लाह के करम से जो है ना वो भी इमीडिएट जो है ना जैसा यहाँ पर मालूम होते ही वो भी ऑलरेडी बोल दिए थे, मगर कल परसों कैबिनेट रख के जो है ना वो भी पास करके जो है ना बिल्कुल अलर्ट है हमारी गवर्नमेंट। दूसरे गवर्नमेंटों के ऐसा लापरवाही काहली ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल अलर्ट है, KCR साहब बिल्कुल अलर्ट है, KTR साहब, KCR साहब ये लोग बिल्कुल जो है ना एक्शन में रहते कभी भी, क्योंकि कोई काम पब्लिक को कोई हमारी गवर्नमेंट से तकलीफ नहीं होना। अल्लाह के करम से आज KCR साहब वो चीज़ करके दिखा दिए बिल पास करके, मैं दिल की गहराइयों से हमारी गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ, KCR साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे KCR साहब इंडिया में नंबर 1 CM जिसको बोलते हैं हमारे KCR साहब है, वो आज करके दिखा दिए कि आज क्या हमेशा ही कर रहे हैं काम इमाम मौजूदों के बारे में, हर एक को जो बोलते हो बराबर प्रैक्टिकल में अमली जामा पहनाते हो। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।